हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। ये रायता खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना तो और भी आसान है। तो चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी बूंदी ली है और एक कटोरी दही लिया है। अब हम बूंदी को गुनगुने पानी में 10 मिनट भिगो कर रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा दही तैयार है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से रायते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जरूर डालिएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 10 मिनट के बाद पानी में से बूंदी को निकालकर दही में डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहो तो रायते को ऐसे ही सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें तड़का मिलाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने पैन में एक चम्मच घी को गरम रख दिया है। घी गरम हो गया है तो आधी चम्मच राई डालेंगे, थोड़ी सी हींग और दो लाल मिर्च डालेंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और तड़के को रायते में मिला लेंगे। तो ये हमारा रायता बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छा रायता बना है। तो इसे सर्व करेंगे, ऊपर से लाल मिर्च छिड़केंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा रायता बन करके तैयार है। रायता बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।